रांची शहर को जाम से मुक्त बनाने के लिए लगातार जो है रांची के अलग अलग लोकेशन में फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस वक्त हम कांटा टोली चौक में हैं और कांटा टोली चौक में भी एक फ्लाईओवर बन रहा है जिसका जो लगभग 2.4 किलोमीटर है। और जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो इस फ्लाईओवर के माध्यम से आप जो है एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंचेंगे। तो कैसे निर्माण कार्य हो रहा है, कब तक पूरा होगा और जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं कांटा टोली में। और जो निर्माण कार्य है वो हो रहा है और इन चीज़ों को लेकर आप देखेंगे जो हमारे इस निर्माण कार्य में जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट टीम के द्वारा कार्य कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई कोताही ना हो। और हमारे साथ नितिन मिश्रा जी हैं जो डीआरए कंपनी के जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले समाचार प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। नितिन भाई ये बताइए कि ये जो निर्माण कार्य है ये सब टेक्निकल, ये जो वाइट सीमेंट का जो ये पिलर ये क्या है? आपको पहले मैं बता दूँ, हम लोग ये जुड़को कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर हुए डीआरए आईपीएल हुई दिनेश चंद्र आर अग्रवाल। तो ये जो है इरेक्शन का काम चल रहा है, ये आप जो बोल रहे हैं कंक्रीट का एक सेगमेंट है। ऐसे करके हम लोग 11 सेगमेंट ऊपर में इरेक्शन करेंगे। इरेक्शन करने के बाद उसको जोड़ देंगे, ग्लूइंग करते हैं, प्रोसेस को ग्लूइंग बोलते हैं। ग्लूइंग करने के बाद स्ट्रेसिंग करेंगे, स्ट्रेसिंग के बाद उसको स्पैन लोअर करके इस लॉन्चर को हम ऑटो लॉन्च मार के आगे वाले स्पैन पर लेकर जाएंगे। स्पैन पर लेके जाएंगे फिर सेम प्रोसेस अपना सेगमेंट इरेक्शन का स्टार्ट करेंगे। सेगमेंट इरेक्शन करेंगे, ग्लूइंग करेंगे, स्ट्रेसिंग करेंगे, स्पैन लोअर करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो सीमेंट का जो मतलब जो सेगमेंट है ये इसकी संख्या लगभग कितनी होगी यहाँ से वहाँ? टोटल 486 है। हाँ 486 है। अभी क्या है, आपको पीछे वाला एक स्पैन है, इसके जस्ट ये वाला, ये आई गर्डर है, बाकी सारा आपका सेगमेंट्स है। ये हम लोग एक दिन में साइकिल टाइम पकड़ते हैं, 4 से 5 दिन का पकड़ते हैं, करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आशा करते हैं हम लोग दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, जो पहले के फ्लाईओवर बने हैं अन्य राज्यों में और अभी जो फ्लाईओवर बन रहे हैं वो दोनों के निर्माण कार्य में क्या नया क्या है? नया ऐसा कुछ जो डिज़ाइन लोड के हिसाब से कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से अपने को दिया जाता है, तो हम लोग वैसा करते हैं। जैसे सेगमेंट्स में है तो कैसा क्या करना है, उसमें रिवार कितना डालना है, वो डिज़ाइन लोड के हिसाब से होता है। सब जगह ऑलमोस्ट प्रोसेस वही होता है। और जैसे ये आपने कहा कि दिसंबर 2024 दिसंबर तक ये फाइनली 23 दिसंबर में ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के पहले भी आप लोग टेस्टिंग करेंगे कि गाड़ियों को सब टेस्ट और वो सब के लोड टेस्ट होती है, ब्रिज का लोड टेस्ट, वो सब जुड़को परफॉर्म करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं। अमूमन जो इसमें मतलब कितना हेवी व्हीकल इसमें जाना चाहिए ये सब जस्ट देखना पड़ेगा, उस समय के हिसाब से करेंगे। इसमें क्या ये जब फाइनली फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको फिर एक नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग को इंटीमेट किया जाए, आप मतलब पब्लिकली नोटिफिकेशन आएगा क्या कितना जाता है, उसके हिसाब से फिर वो फाइनलाइज होता है। अभी काम को पूरा करने के लिए लगातार 24 घंटे शिफ्ट वाइज काम? यस डे नाइट चालू है। देखिए एक्सपर्ट के द्वारा आप जितने यहाँ लोग काम कर रहे हैं सब अपने अपने लाइन के एक्सपर्ट हैं, कहीं से कोई चूक ना रहे, इन्हीं चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखा जाता है। और ये देखिए ये जो फ्लाईओवर है इसका जो शिलान्यास जो है देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखा था और इसे अब जो है इसका समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है कि ये पूरा हो जाएगा। और इसमें लगभग आप देखेंगे तो लगभग इसमें 250 करोड़ से भी ऊपर इसमें खर्च है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जो फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है हमारे लिए और शहर के लिए एक गौरवमय क्षण होगा। जब इस फ्लाईओवर से आप शांति नगर से आप जब इस फ्लाईओवर में चढ़ेंगे तो आप सीधे जो है सीरम टोली चौक पहुँचेंगे। तो शहर में को जाम से मुक्त बनाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं और हमें लगता है कि ये दिसंबर तक, जिस तरह से बताया गया कि दिसंबर तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।